हैदराबाद के अवाम को, हिंदुस्तान के अवाम को और दुनिया में सभी जगह जो हमारे दोस्त हैं, सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक महीने के फास्टिंग के बाद आज हम लोग अब ईद उल फितर के दिन पहुंचे हैं। पिछले एक महीने में रमजान का जो पाक महीना था, हैदराबाद में और खास करके पुराने शहर में जो गंगा जमुना तहजीब का एक नमूना पेश किया गया, उसे देखकर दिल बहुत खुश होता है। रात के वक्त जब शहर के सभी सीनियर ऑफिसर मदीना से पत्थरघट्टी, गुलजार हाउस, चार मीनार, मक्का मस्जिद के तरफ हम लोग रात में वॉक किए और खास करके रोड के दोनों तरफ जो हमारे छोटे बंडी वाले, ठेले वाले, जो गरीब छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके चेहरे पर जो खुशी हम लोगों ने देखी, उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले एक महीनों में हम लोग सब मिलकर इतने अच्छे तरीके से जो रमजान को सेलिब्रेट किए, आने वाले समय में ये हम लोगों को बहुत खुशी देगा। ऐसा कहा जाता है कि रमजान में जो भी दुआएं आप लोगों ने मांगी है वो जरूर कबूल होगी। एक बार फिर कमिश्नर होने के नाते आप लोग सबके तरफ से, हैदराबाद आवाम के तरफ से, एक बार मैं फिर अल्लाह सुबहाना वताला के सामने दुआ करता हूं कि हमारे शहर को और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट दें, सबको खुश रखें, बच्चों को अच्छी तालीम दें, जिससे आगे जाकर वो एक देश के अच्छे सिटीजन बनें।